दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कोयला और जिद्दी फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि इन दोनों फिल्मों में से किस फिल्म ने बाजी मारी थी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कोयला फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। कोयला सन 1997 में आई एक म्यूजिकल एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, अमरीश पुरी, जॉनी लीवर, दीप शिखा, सलीम घोष, अशोक सराफ, रंजीत, जैक गौड़, विकास आनंद, कुनिका, हिमांशी पुरी और प्रदीप रावत नजर आए थे। इस फिल्म को राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया था, से प्रोड्यूस भी उन्होंने किया था और इस फिल्म की कहानी भी उन्होंने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग्स अनवर खान ने लिखे थे। इस फिल्म के लिए म्यूजिक राजेश रोशन ने दिए थे, उसके लिरिक्स इंदवर ने लिखे थे। इस फिल्म को कुल 275 स्क्रीन्स के साथ 18 अप्रैल सन 1997 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 12 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 14 करोड़ 90 लाख कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 1 करोड़ 6 लाख कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 5 करोड़ 52 लाख कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 28 करोड़ 6 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म एवरेज साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 6.2 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 1997 की 8वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। अब जानते हैं जिद्दी फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जिद्दी सन 1997 में आई एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में सनी देओल, रवीना टंडन, अनुपम खेर, फरीदा जलाल, आशीष विद्यार्थी, राज बब्बर, शरद सक्सेना, सचिन खेड़कर, रिचा आहूजा, वीरेंद्र सक्सेना और सहवाज खान नजर आए थे। इस फिल्म को गुड्डू धनवा ने डायरेक्ट किया था, इसे प्रोड्यूस किया था एनआर पचीसिया ने। इस फिल्म की कहानी रॉबिन हेनरी ने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग दिलीप शुक्ला ने लिखे थे। इस फिल्म के म्यूजिक दिलीप सेन और समीर सेन ने दिए थे, उसके लिरिक्स समीर ने लिखे थे। इस फिल्म को कुल 235 स्क्रीन के साथ 11 अप्रैल सन 1997 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 7 करोड़ 50 लाख था। इस फिल्म ने इंडिया में 18 करोड़ 40 लाख कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 85 लाख कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 4 करोड़ 45 लाख कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 32 करोड़ 44 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। अगर बात करें आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 5.8 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 1997 की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। तो दोस्तों, इन दोनों फिल्मों में से सनी देओल की फिल्म जिद्दी ने बाजी मारी थी। वैसे दोस्तों, आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई थी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।